वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 46, मैथ्स क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, सर्कल पे जो टेंजेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं हमने की हुई है पिछली, आप प्लेलिस्ट में जाके पिछली वर्कशीट को देख सकते हैं वीडियोस को। रिकॉल करते हैं, टेंजेंट ड्रॉन टू द एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल। देखिए कोई एक सर्कल है, सर्कल के डायमीटर है, डायमीटर के एंड पॉइंट से जो भी टेंजेंट खींचते हैं ये क्या होते हैं, ये पैरेलल होते हैं ना। हम यहाँ पे लिख देंगे पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इफ टेंजेंट पी ए पी वी, ये इसका ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया हुआ था, हमने कराया हुआ। ये एक सर्कल है, ये टेंजेंट बना देते हैं पी ए और पी वी, पी ए पी वी, ये ओ है, रेडियस परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये पूरा 180 है। ठीक है, ये 80 है तो हमें निकालना क्या है, पी ओ ए। अगर ये 80 है, ये 90 है, 90 है तो कितना था, हमने किया था ना 90 90 और 80, क्वाड्रिलेटर का टोटल होता है। देखिए ये क्वाड्रिलेटर बन रहा है, पी ए ओ बी क्वाड्रिलेटर बन रहा है इसके चारों एंगल का टोटल 360 होता है तो हम इसको ऐड करेंगे तो 260 हो गया। तो 260 को 360 में से 260 माइनस कीजिए तो 100 आ गया और 100 का आधा ये आता है 50, क्योंकि दोनों ट्रायंगल को कॉन्गुएंट हमने प्रूफ किया था तो इसका आंसर होगा 50। पूरा इसलिए नहीं कराया मैंने क्योंकि करा चुकी हूँ पहले, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन पर, एक सर्कल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड ए बी ए सी के इक्वल दिया हुआ है, ये गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी डी सी। एक थ्योरम को हमेशा ध्यान रखिए बच्चों कि आउटर सर्कल के बाहर अगर कोई आउटर आउटसाइड अगर कोई पॉइंट है वहां से जो टेंजेंट खींचेंगे वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल, तो इसका मतलब कितने पॉइंट है, आप आउटसाइड पॉइंट देखिए कितने, 1 2 3, तो यहां से टेंजेंट कौन सा बन रहा है, 1 और 1, ये बी डी और बी एफ इक्वल हो गए, ऐसे ही सी डी और सी ई इक्वल है, ऐसे ही ए एफ और ए ई इक्वल है। अब इनको ऐड कर देते हैं हम, या हमें जो साइड दी हुई है ऐड भी मत कीजिए, छोड़िए उसको, साइड हमें गिवन है ना, ए बी ए सी के बराबर है, ये गिवन है कि नहीं है, ए बी पूरी ए सी के बराबर, तो ए बी के दो हिस्से हैं, ए एफ और एफ बी हमने लिख दिया, ऐसे ए सी के दो हिस्से हैं ए ई और ई सी। अब हमें ये पता है कि ए एफ और ए ई इक्वल है, ये ए एफ और ए ई इक्वल है तो इसको काट देते हैं तो बचा क्या, एफ बी और ई सी, और एफ बी बी डी के इक्वल है, हमने यहाँ पे किया था, और ई सी सी डी के इक्वल है, तो ये आ गया हमारा आंसर, सिंपल था ना। आगे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि पैरेललोग्राम जानते हैं ना, उसकी पैरेललोग्राम इस तरह की शेप होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, जबकि रॉम्बस में चारों साइड इक्वल होती है, चारों साइड, और डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बचत करते हैं, अंदर के इंटरनल एंगल 90 नहीं होते तो हमें भी पता है, ये सब छोटी क्लास में बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए पैरेललोग्राम दे रखा है, पैरेललोग्राम दे दिया, अब समझ में आ गया कौन सी हमें यूज करना है, इसको ध्यान रखना है, और साथ में ये जो स्टार हम इसको लगा देते हैं, जो ये स्टेटमेंट है, ये थ्योरम है जो यूज हुई है, ये सभी सवालों में यूज होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें एक पैरेललोग्राम दिया जो सर्कमस्क्राइबिंग यानी एक सर्कल के ऊपर है, इसका मतलब ये होता है सर्कल के ऊपर है, तो हमें प्रूफ करना है कि रोम्बस है, रोम्बस मतलब ये चारों साइड इक्वल है। अब गिवन क्या है, पैरेललोग्राम यानी कि अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी होंगी, ए बी और सी डी इक्वल होंगी है कि नहीं, और ए डी और बी सी इक्वल होंगी, इतना तो हमें गिवन है कि ए बी सी डी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है, ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि सारी साइड ए बी बी सी सी डी ए डी सब इक्वल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक्सटर्नल पॉइंट देखते हैं कितने हैं, एक्सटर्नल पॉइंट 1 2 3 4 है, यहां से कौन कौन से टेंजेंट बन रहे हैं, यहां से 1 और 1 है 2, ये इक्वल होंगे, एपी इक्वल टू एस, यहां से देखिए डीआर और डीएस, सीआर और सीक्यू और बीपी और बीक्यू, यानी सब ये लेफ्ट वाले हम ऐड कर लेंगे, रीजन वही लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, टेंजेंट दो ही होते हैं ध्यान रखना एक्सटर्नल पॉइंट से। अब हम लेफ्ट के सारे ऐड कर लेते हैं और राइट के सारे ऐड कर लेते हैं, यानी 1 2 3 को हमने ऐड किया तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड हो गया, राइट वाला राइट में। हम देख रहे हैं डीआर और सीआर,
डीआर और सीआर मिलकर डीसी सीडी बन रहा है और ये एबी बनता है, ये एडी, ये बीसी। ठीक है, अब सीडी और एबी तो बराबर है, तो यानी ये दोनों इक्वल है, हमने लिखा था, तो हम इसकी जगह ए बी लिख देते हैं। इसकी जगह लिख दिया तो ये दो बार हो गया कि नहीं, ए बी प्लस ए बी यहां पे आ गया, ऐसे ये ए डी और बी सी भी ए डी के बराबर, तो यहाँ ए डी आ गया, तो ये दो बार है, टू आ गया, यहां भी टू आ गया, टू से टू कट गया, तो ए बी इक्वल टू ए डी आ गया, आगे कि नहीं आगे, इसका मतलब चारों साइड इक्वल हो गई, क्योंकि ए बी ए डी के इक्वल है और वो ए डी बी सी के इक्वल है और सब सब बराबर हो गए, सब एक इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये तो सारी साइड इक्वल हो जाती है, तो रॉम्बस कहलाता है। क्लियर हो गया। चलिए एग्जाम्पल थ्री समझते हैं। देखिए एक सर्कल इंस्क्राइब है, इंस्क्राइब मतलब अंदर है, एबीसी ट्रायंगल के अंदर आपको ये 12 दिया हुआ है, ये 12 है, ए बी सी ये 12 है, अच्छा बी सी 8 है पूरा का पूरा, और ये पूरा 10 है। ध्यान देना है कि हमें निकालना क्या है, ए डी बी ई और सी ए। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि चार तीन एक्सटर्नल पॉइंट कौन से, ये सारे हैं, यहां से क्या क्या इक्वल है, ये वाला टेंजेंट इसके इक्वल है, लिख लेते हैं, लिख दे ए डी ई एफ के इक्वल है, ठीक वाले सी से कौन सा इक्वल है, सी एफ और सी ई, सी एफ सी ई इक्वल, ये तो आप लिख ही लीजिए, और बी से बी डी और बी ई, ये इक्वल है। ध्यान रखना कि जो ये होगा ए डी वही ए एफ होगा, तो मैं इसी को एक्स मान लेती हूँ ना, तो ये कितना होगा बच्चों, ये भी एक्स हो जाएगा, पूरा कितना है 10, तो ये कितना होगा 10 माइनस एक्स, तो अगर ये 10 माइनस एक्स है तो ये भी 10 माइनस एक्स होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि ये बराबर है। अब ये पूरा 12 है, ये एक्स है, तो ये कितना होगा 12 माइनस एक्स, बी डी होगा 12 माइनस एक्स, तो बी डी अगर 12 माइनस एक्स है तो बी ई भी 12 माइनस एक्स होगा। कितनी आराम से हो गया सब कुछ। अब हमारे पास सब कुछ है, अब हमें ये भी पता है कि ये पूरा 8 है, तो क्या 8 10 माइनस एक्स और 12 माइनस एक्स के टोटल के बराबर नहीं होगा, तो यानी 10 माइनस एक्स अगर 12 माइनस एक्स करते हैं तो इस ये 8 के इक्वल है बच्चों, यानी जो बीसी साइड है वो इसे इक्वल है, तो ये हो गया माइनस टू एक्स, 8 और 10 और 12 होता है 22 माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ गया माइनस 14 आ गया, कट गया माइनस से माइनस, एक्स इक्वल टू 14 बाई 2 7 आ गया, यानी एडी आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर, पहला आ गया, इजी था कि नहीं था। तो बी ई भी निकल जाएगा, बी ई ढूंढिए क्या है, बी ई है हमारा 12 माइनस एक्स, ठीक है, तो बी ई है 12 माइनस एक्स, तो ये आ गया 5, 12 माइनस 7, और क्या पूछा, सी एफ, सी एफ कितना है बच्चे, 10 माइनस एक्स, ये है ना सी एफ, सी एफ भी निकाल लीजिए, सी एफ है 10 माइनस एक्स, यानी 10 माइनस 7 3 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। अच्छा यहाँ पे सी एफ दिख नहीं रहा कहीं पे, चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना आपको, सी एफ भी निकल गया, बी ई भी निकल गया और ए डी भी निकल गया, बहुत ही इजी तरीका है, बस ये ध्यान रखना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमें लेनी है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाउ एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ट्रायंगल है उसकी साइड ए बी सी दे रखी है और वो टच करते हैं पी क्यू आर पे, चलिए हम सर्कल बना लेते हैं, फटाफट हम एक सर्कल बनाते हैं और उसके बाहर एक ट्रायंगल बना लेंगे, ये हमने एक सर्कल बना दिया, अच्छा और ट्रायंगल भी लेना है हमें, तो रफली ले लूं ट्रायंगल टच करता हुआ, चलेगा ना, स्केल से बना लेना आप लोग, तो ये है ए बी सी पी क्यू आर, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, फिर वही बात, चार तीन एक्सटर्नल पॉइंट है, इक्वल होंगे ना ये टेंजेंट, अब प्रूफ क्या करना है, पहले देखिए गिवन है एक सर्कल ट्रायंगल एक सर्कल में और ए बी प्लस सी क्यू ए सी प्लस बी क्यू, ये प्रूफ करना, सीधे प्रूफ करते हैं, टू प्रूफ ए बी प्लस सी क्यू, ये लिखा हुआ था देख ले दोबारा, ए बी प्लस सी क्यू ए सी प्लस बी क्यू, ए सी प्लस बी क्यू, ए सी प्लस बी क्यू, और गिवन आप लोग लिख लीजिएगा, चलिए सॉल्व करें। अब देखिए एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी एक्सटर्नल है, ये भी एक्सटर्नल है, बड़े आराम से हो जाएगा, एपी और ए आर इक्वल होंगे, एपी इक्वल है ए आर के, ठीक है, ठीक वैसे ही बीपी उसी तरफ रखिएगा, बीपी क्यों हम इस तरफ रखेंगे, क्योंकि एपी और बीपी मिलकर ए बी होगा, बीपी और बी क्यू भी बराबर है,
ठीक है, और सी क्यू चाहिए ना हमें लेफ्ट में, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए सी क्यू, तो इधर ही लेफ्ट में रखेंगे, सी क्यू सी आर के इक्वल है, सी क्यू सी आर के इक्वल है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, रीजन क्या है वही, क्या टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये सब जगह आएगा। अब ऐड कर देते हैं ना इसको, चलिए ऐड करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 तो क्या होगा, एपी प्लस बीपी प्लस सी क्यू इक्वल ए आर प्लस बी क्यू, ठीक चल रहा है, ए आर प्लस बी क्यू प्लस सी आर। अब ये देखिए एपी प्लस बीपी, ए बी आ गया कि नहीं आ गया, तो ये हो गया ए बी प्लस सी क्यू आ गया हमारा लेफ्ट में, ऐसे ए आर और सी आर ए सी होते हैं, और ये हो गया बी क्यू, आंसर आ गया हैंस प्रूफ। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है उसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अ क्वाड्रिलेटरल जो है सरकमस्क्राइब करता है एक सर्कल को, सर्कल के बाहर है तो सम ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। चलिए एक सर्कल बना लेते हैं फटाफट, ले लेते हैं एक सर्कल, ले ले, चलिए थोड़ा सा नीचे ले लेते ताकि ना सर्कल को देखने में आसानी हो, ये हमने सर्कल ले लिया, ले लिया। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कल में एक क्वाड्रिलेटरल बाहर बना देते हैं, अपोजिट साइड इक्वल इक्वल नहीं है ना, तो पढ़ लेंगे अभी दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, पहले हम क्वाड्रिलेटरल तो बना लें, ए बी सी डी, पॉइंट कौन सा टच वाला, पी टच करता है, क्यू आर आप टच करा लीजिए इसको, और एस, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, पी क्यू आर एस। तो गिवन तो हमें पता ही है क्या है, क्या है गिवन बताइए, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी टचेस द सर्कल एट पॉइंट्स पी क्यू आर एस, ठीक है। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है बच्चों, चलिए देखते हैं, प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट यानी कि अपोजिट है सिर्फ सम ऑफ अपोजिट साइड है, सम ऑफ अपोजिट साइड है ना, यानी हमें प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल है बी सी प्लस ए डी, यही है ना, यही प्रूफ करना ना, ये प्लस ए। अब चार एक्सटर्नल पॉइंट ढूंढिए कौन से, ये दोनों, ये चार एक्सटर्नल पॉइंट है, अब इसको लेते हुए हम क्वेश्चन करेंगे, चलिए सॉल्व करें, चार एक्सटर्नल पॉइंट है तो हम ये पहले ले लेते हैं, एपी किसके इक्वल है, एपी एएस के इक्वल है पहला हो गया, ठीक, वैसे बीपी इसी तरफ लेना है हमें क्योंकि एपी और बीपी एबी हो जाएगा, बीपी बीक्यू के इक्वल है सेकंड, अब ये वाला लीजिए, अब एबी की साइड ले लीजिए आपने, अब सीडी वाला लीजिए, डी आर डीएस के इक्वल है, वैसे सी आर सी क्यू के इक्वल, ये थर्ड है ये फोर्थ है, वही रीजन लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये वाला, ठीक है। अब इनको जोड़ दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 को हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए एपी प्लस पीबी ये बन जाता है एबी, ठीक है, तो ये एपी प्लस बीपी प्लस डी आर प्लस सी आर, और राइट में है ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू, तो ये तो बन गया ए बी, और डी आर और सी आर होंगे, ये हो गया सी डी, और ए एस और डी एस ये है हमारा ए डी, पूरी साइड बन गई ना, और बी क्यू और सी क्यू देखिए, बी क्यू सी क्यू मिला के पूरा हो गया बी सी, तो आ गया आंसर, आ गया कि नहीं आ गया, इजी था ना, पहला दूसरा क्वेश्चन एक जैसा ही था, तीसरा क्वेश्चन यही हो जाएगा, यही मैं करा देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ये ध्यान दीजिए 90 डिग्री पे राइट एंगल है, अच्छा सर्कल के बाहर एक ट्रायंगल है, रेडियस आर है, ए बी और बी सी 8 दे रखे हैं और 6, ये 10 निकला हुआ है, 10 बड़े आराम से निकालते हैं, नहीं भी दिया है तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना आ गया,
64 प्लस 36 100 आ गया, तो ये आया एसी स्क्वायर। एसी स्क्वायर चल रहा है ना क्वेश्चन नंबर 3, तो एसी आ जाएगा 10। ठीक है, एसी कितना आ गया, 10 आ गया। चलिए अब ये आर है, ये बताइए ये आर है, नाम दे दीजिए पहले। तो अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, इसका मतलब ये भी आर होगा। तीन पॉइंट पर टच हो रहा है सर्कल से ट्रायंगल, हम इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। ये भी आर है बच्चे, ये देखिए ये 90 है और ये आर है, तो ये भी इतना भी आर होगा यहां से यहां तक, तो ये आर है तो ये भी आर होगा, तो ये एक तरह से स्क्वायर बन रहा है ना, छोड़िए इसको स्क्वायर को तो। लेकिन अगर हमारा ये आर है, पूरा 8 है, पूरा कितना है बच्चे 8, तो ये इतना हिस्सा कितना होगा बताइए। नीचे का आर है तो ये होगा 8 माइनस आर, और हमें ये पता है एक्सटर्नल पॉइंट, अगर ये 8 माइनस आर है तो ये भी 8 माइनस आर होगा। अब ये आर है और पूरा कितना बच्चों 6, बीसी पूरा 6 है और बी क्यू आर है, तो क्यू सी कितना होगा 6 माइनस आर। तो अगर क्यू सी 6 माइनस आर है तो सी आर कितना होगा 6 माइनस आर। सब कुछ हो गया हमारे पास, ध्यान दीजिएगा एक्सटर्नल पॉइंट 3 है एबीसी, तो ये अगर बी क्यू आर है तो बी पी, ये जो पी है बी पी भी आर होगा, और ये जो ए पी है ये 8 माइनस आर होगा। अब ये पूरा तो 10 है, तो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, नहीं किया था, 10 है तो ये 8 माइनस आर प्लस ये वाला 6 माइनस आर 10 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। यस होगा ऑब्वियस, क्योंकि पूरी साइड 10 है ना, एसी पूरी 10 है, तो अब ये जोड़ दीजिए, ऐड कीजिए माइनस 2 आर बराबर 10, 14 हो गया, उधर जाके माइनस 14 हो गया, माइनस अभी तो नहीं कटेगा, अभी तो हम उसे माइनस करेंगे ना, इसको इरेज कर देते हैं, ये आ गया माइनस माइनस 2 आर इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस कट डाउन, आर इक्वल टू आ गया 4/2, यानी आर इक्वल टू 2। सवाल छोटा सा है, समझने का फेर है, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 1 एंड ये 2 था, यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए, क्वेश्चन 1 2 हो गया और 3 हमने ऊपर बता दिया। चलिए बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं।